एक बार कंफर्म कर दो कि वो वीडियो और ऑडियो सब सही है ना। फिर हम हमारी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं, और आज हमारी लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। कल से हम दोस्तों हायर एजुकेशन सिस्टम करेंगे, ठीक है? और डीआई का यही है कि आपको रोजाना 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज नो बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग जी सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार जानदार चल रही होगी। और दोस्तों आज थोड़े मुंह में छाले हो गए, तो उस कारण थोड़ा सा काफी इशू नहीं आएगा आपको, बट थोड़ा सा रहेगा प्रॉब्लम। हाँ जी, आप स्टूडेंट हो नए, कल अपनी बात हो चुकी थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने दे दिया है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्क्रीन पे आपके आ चुका है क्वेश्चन, ज्यादा टाइम हम ना लेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, ये डीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर आप ऐसे वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके हैबिट काफी अच्छी हो जाएगी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राम राम जी सबको, राम राम। पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट ईयर का ही दोस्तों क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो देखिए पॉपुलेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता होगा भी चल रहा है 2021, तो इस साल भी पॉपुलेशन से क्वेश्चन आने की संभावना है। 2021 चल रहा है दोस्तों, तो पॉपुलेशन से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको जितना हो सकता है पॉपुलेशन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपसे जितना हो सकता है उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है? और मैंने 2 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन सेंड किया था, अभी तक उसके मेरे पास प्रॉपर आंसर नहीं आए, तो प्लीज सोल्व करें, ठीक है? अब देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, यहां पर ईयर है हमारे पास 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। मुंह में छाले हो रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब हमारे पास ईयर है, और ये है हमारे पास पॉपुलेशन 20, 21, 24। और दोस्तों ये इंक्रीमेंट हुई है सारी, दोस्तों ये क्या हुई है, इंक्रीमेंट, ठीक है? तो ये सब इंक्रीमेंट हुई है, यानी 1951 में कितनी थी 20, 1961 में 21, यानी एक इंक्रीमेंट हो गया, तो ऐसे इंक्रीमेंट हो रही है। पहले क्वेश्चन को समझना काफी जरूरी है, पहले सीधा क्वेश्चन सोल्व ना करें, एक बार प्रॉपर क्वेश्चन को समझे। अब ये है दोस्तों पावर, कि हमने इस साल में कितना पावर खर्च किया, तो दोस्तों यहां पर पावर दिया गया है कि 1951 में 10 किया, तो ये भी इंक्रीमेंट है, ठीक है? इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहले 10 किया, फिर 20 किया, फिर 25, और एक जी डब्ल्यू में 100 वोट होते हैं, 100 मिलियन वोट होते हैं, तो इस चीज का भी हमें यूज करना है, ठीक है? चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि मिनिमम, दोस्तों यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम कितनी ग्रो हुई पॉपुलेशन में, सबसे ज्यादा किस ईयर में पॉपुलेशन की ग्रो हुई है, वो यहां पर पूछा गया है। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो, देखते इसका आंसर कौन देगा। सिविल के लिए भी है ग्रो, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ भी नहीं आया। चलिए जी इसका आंसर दो, आपसे पूछा गया है कि इसमें सबसे ज्यादा किस ईयर में ग्रो हुई है, ग्रो आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए जी जल्दी से जल्दी ग्रो फाइंड आउट कीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर आंसर आया है 1 से 11, 1 से 11। चलिए जी देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 का यहां पर गैप है, तो मैम 3 का यहां भी गैप है,
तीन का यहाँ भी गैप है, तो ये वाला यूज ना करें दिमाग, जो भी मैथ के फॉर्मूले से होगा ये। चलिए जी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए, जल्दी से जल्दी करें यार। डी, आंसर डी की तरफ जा रहे हैं डी। चलिए और अभी तो गुड मॉर्निंग जी मैम, आप लेट ना हुए डी। चलिए जी सी, चलिए आंसर में थोड़ा चेंज हुआ सी। चलिए चलिए जी अब देखिए, ऑप्शन हमारा ए है 1961 से 71, तो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले 1961 से 1971, तो 24 और भाई 21, तो 24 माइनस 21 अपॉन 21 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर माइनस करोगे तो 200 कितना आएगा, 3 21 100, इसको अगर हम करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 100 इंटू 7 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 14.28 आ गया। चलिए जी, तो यानी 1961 से 1971 में दोस्तों 14% इंक्रीमेंट हुआ। अब हम फाइंड आउट करेंगे 1971 से 1981, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास दोस्तों यहां पर 24 और 27, 27 इंटू 24 और अपॉन 24 100 दोस्तों ये आ गया 3 24 100, अगर इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5, मींस 1971 से 1981 में दोस्तों 12.5 इंक्रीमेंट हुआ, तो ऑप्शन बी तो होएगा ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम पूछा गया है मींस ज्यादा, हिंदी वाले ध्यान दें, मैक्सिमम मींस ज्यादा किस ईयर ने ग्रो यानी ऊपर गया है वो, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए जी, अब हम यहां बात करेंगे 1991 से लेकर दोस्तों 2001, ठीक है। इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा 32 / 30 = 30, 2 आ जाएगा यहां पर 30 × 100 6.67, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा दोस्तों 2001 से लेकर 2011, इसका कितना था, इसका दोस्तों कितना था, इसका कोई कमेंट करें। यस, इसका था 32 से 35, तो अगर हम इसका करेंगे 35 से 32, ठीक है, 30 आ जाएगा अपॉन 100 करो तो ये हो गया दोस्तों 3, इसको हम करेंगे तो आंसर आएगा 9.35, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दोस्तों ए इसका सही आंसर होगा। जिन्होंने इसका डी आंसर दिया है वो रॉन्ग है, इसका आंसर ए सही होगा। सबसे ज्यादा ग्रो दोस्तों 1961 से 1971 के बीच में हो रही है। सर 32, सब तो इसका सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट कर दें, और थोड़े मुंह में छाले हो रहे हैं तो दोस्तों उस अकॉर्डिंग वॉइस थोड़ा ऐसे आएगा। हाँ जी, इसका ए आंसर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट कर दे, और नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दे कि सर ये समझ में नहीं आया। और आज हमारी लास्ट क्लास है, कल से हम हायर एजुकेशन पे मूव ऑन करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आया मैम, आपको क्या समझ में नहीं आया, एक बार वो पूछे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। मॉर्निंग जी,
सर एक एक बार बोलिए, ठीक से समझ में नहीं आया। नहीं एक बार ये बताओ ना क्या समझ में नहीं आया। देखिए सिंपल सा था, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मैक्सिमम ग्रो के बारे में पूछा गया कि किस ईयर में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा ग्रो किया, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सब ईयर का ग्रो फाइंड आउट किया और उसमें 1961 का सबसे ज्यादा ग्रो फाइंड हुआ 40.28। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा फाइंड आउट किस हुआ, 1961 से 1971 का ही सबसे ज्यादा फाइंड आउट हुआ है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप सोल्व करना। सर ऐसे अकेले 24 into 21, देखिए लो एक बार मैं आपको इजीली यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले हम फाइंड आउट करें 1961 से 1971 का ग्रो फाइंड आउट करना है, किसमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 1961 में कितना हुआ, 21, और 1971 में 24, तो माइनस क्या होगा दोस्तों, 24 माइनस 21 अपॉन में 21 को आएगा, अपॉन में 21 इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि हम ईयर का फाइंड आउट करें, इससे इसमें ठीक है 21 आ जाएगा और 100 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए माइनस करो 3 21 100, 3 का भाग जाएगा 7 और ये दोस्तों यहाँ हो गया 1, तो 100 ही आ जाएगा और 7 ही आ जाएगा। अगर आप इसको करोगे सोल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 14, ऐसे कुछ आंसर आएगा। चॉइस कहां से आया मैम, चॉइस ये रे 1971 का चॉइस है, 1971 का चॉइस है, 1961 का 21 है, मींस इसके बीच का हमको फाइंड आउट करना कि कितना ग्रो किया। मान के चलिए मैम आपने 2001 में आपका वेट था 71, 2002 में आपका वेट हो गया 74, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वही वाली चीज यहां पर है। सर ये ईयर की बात कर रहे हैं हम, देखिए 1961 का 21 था, 1971 का वही 24 है, 21 क्यों लिया मैम। देखिए आप इस ईयर से, हम इस ईयर का फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इस ईयर से इस ईयर के फाइंड आउट करें, इसलिए 21 आएगा। आगे समझ में, अगर दोस्तों मैं यहाँ फाइंड आउट करता 1991 से लेकर 2021, तो यहाँ पर 1991 का डाउन में आता। हाँ जी देखिए काफी हार्ड क्वेश्चन है ये, इनको थोड़ा डीपली बेसिकली आप सोच के देखें और जल्दीबाजी ना करें। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया था, पर मोस्टली स्टूडेंट उसको सोल्व नहीं किया, वो उनकी गलती है। आ गया समझ में, आ गया क्या समझ में, प्लीज यार एक बार कमेंट तो करें कुछ। यस ओके जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन ये रहा। यहां पर पूछा क्या गया है दोस्तों, एवरेज पूछा गया है यहां पर कि एवरेज क्या है, जो ग्रो रेट का एवरेज क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन कीजिए, कौन सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करेगा, इंक्रीमेंट जो ग्रो हुई है उसका एवरेज यहां पर पूछा गया है। और अभी हमने सबका फाइंड आउट किया था कि किस ईयर में क्या ग्रो हुआ है, किस ईयर में क्या ग्रो हुआ है, तो इसका आंसर दो। मॉर्निंग मैम बट आप लेट हो रहे हो, क्लास काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या आएगा देखिए, जो मैं होमवर्क देता हूं उसको एक बार सोल्व किया करो, उससे आपकी काफी हैबिट ज्यादा हो जाएगी। यहां पर दोस्तों जो इंक्रीमेंट किया है ना अपन ने, इसका यहां पर पूछा गया आपसे एवरेज।
और दोस्तों प्लीज एक बार यार लाइक कर दो वीडियो को, अगर वीडियो आपके लिए अच्छा है, इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ओके मैम, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे जी, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वहां से पांच ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है। 27 आंसर आना स्टार्ट हो गए यहां पर, आयुष 27। चलिए जी आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ये है क्या दोस्तों, भाई 27 ऑप्शन में नहीं है भैया। एवरेज ग्रो फाइंड आउट करना है, उसमें किसमें फाइंड आउट करना है ये भी चीज देख लो आप यार। आप जैसा सोच रहे ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन को समझे। जो ग्रो फाइंड आउट किए, तो अभी हमने ग्रो फाइंड आउट किए सबकी, उसका एवरेज फाइंड आउट करना है अब हमें। हाँ जी, पांच ही क्वेश्चन आते हैं, और पांच में जरूरी नहीं है कि पांच ही आए, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं मैम। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन देख लेना आप एक बार, वहां से कितने क्वेश्चन आए थे आपको कंफर्म हो जाएगा। आंसर सी। चलिए जी देखिए, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो बिल्कुल शांत को माइंड को शांत रखिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, एवरेज फाइंड आउट करना है, हमने जो पॉपुलेशन ने ग्रो किया है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, हमने फाइंड आउट किया था कि 1961 में क्या ग्रो किया था, 40%। ऐसे हमने सबका अभी जो ग्रो फाइंड आउट किया था, हमने सबका कर लिया। हमारे पास 1961 का भी है, 1971 का भी है, 1991 का भी है, सबका है। बट हमारे पास दोस्तों 1951 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे 1951 का से 1961 का। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, 21 - 20 / 20 = 100, ये गया 0 से 0, 1/200। तो दोस्तों ये पांच आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये पांच आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं, सबका दोस्तों उनको ऐड कर दो, 14 + 28, ये किसका है, ये है दोस्तों 1961 से लेकर 1971 का। ऐसे हमारे अभी हमने फाइंड आउट किया है सबका, तो उनको हम ऐड कर देंगे 11.1, ठीक है, 6.671 और 9.28, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6। अब इनको ऐड कर लो और इसका अगर भाग दोगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 9.20, जिसका सही आंसर है बी। देखिए यहां पर सिंपल सा पूछा ये गया था कि ग्रो रेट का एवरेज, तो अभी हमने इन चारों का दोस्तों ग्रो रेट फाइंड आउट किया था। तो चार का तो था हमारे पास, ओनली एक का था नहीं हमारे पास, इन चारों का दोस्तों हमारे पास था, इसका भी था, इसका भी था, इसका भी था, बट 1951 से लेकर 1961 का हमारे पास नहीं था। तो अभी हमने इसका भी फाइंड आउट कर लिया, और सबका आने के बाद हमने इसका एवरेज फाइंड आउट किया, और एवरेज फाइंड आउट करना आपको आता है, मैंने अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसलिए कहता हूं भैया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व किया करो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन सेंड किया था, पर आपने सोल्व नहीं किया। अगर सोल्व नहीं करोगे तो दोस्तों DI में 5 में से 5 नंबर नहीं आएंगे आपके। तो ऐसा ना सोचे कि ये काफी इजी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने दोस्तों आपको इजी से स्टार्ट किया था, और हार्ड पे अभी हम चल रहे हैं, और हार्ड पे अभी आपकी हवा बिल्कुल टाइट हो चुकी है। किसी का भी सही आंसर नहीं आया यहां पर। आप जाके आपको क्या करना है, जो मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया था उसका सब सॉल्यूशन मेरे को सेंड करोगे आज, सब उसका सॉल्यूशन मेरे को सेंड करोगे,
आ गया समझ में? किस किस को समझ में नहीं आया? सर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया जी, एक बार आज कोशिश करें, नहीं आएगा तो कल वाली क्लास में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है? चलो आ गया जी सर, जी सर, यस सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन सोल्व करें। अगला क्वेश्चन सोल्व करें दोस्तों, यहां पर पूछ रहा है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पर पूछा गया है कि बेस ऑन द एवरेज, जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग 2021 की पॉपुलेशन क्या रहेगी? एवरेज के बेस पे दोस्तों 2021 की पॉपुलेशन क्या रहेगी? और अभी एवरेज हमने फाइंड आउट किया है ना, हमने एवरेज फाइंड आउट किया है, तो क्या था हमारा आंसर? 9.8.2। ये भी हमने एवरेज फाइंड आउट किया है, तो उस एवरेज पे पॉपुलेशन 2021 की क्या होगी? आंसर दो। सर जो लास्ट का ईयर होता है वही डिवाइजन करना है क्या? हाँ जी मैम, वही करना है। डीआई में रोजाना आपको एक क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है। एवरेज के बेस पे कितना ग्रो फाइंड आउट होगा? चलिए एक बार आप कोशिश करके देखो यार, हार नहीं माननी है आपको। एवरेज अभी हमने फाइंड आउट कर लिया, 9.82 एवरेज आया, उसके अकॉर्डिंग 2021 की पॉपुलेशन क्या होगी? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है 2021 के लिए होगा या 2031 के लिए होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। हार मत मानो यार भैया, हार नहीं माननी हमें। ऐसा क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर जाओगे अगर आप रोजाना 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया था आपको। क्वेश्चन ही आपने देख लिया और ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शन ये रहे। चलिए आंसर दें, ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बस ये बताना है कि इतने एवरेज पे क्या पॉपुलेशन होगी। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे पॉपुलेशन की हम बोलते हैं कि जब 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, हम बोलते हैं ना कि चाइना से हम आगे हो जाएंगे, तो कैसे हो जाएंगे? तो इसी अकॉर्डिंग दोस्तों एवरेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया जाता है। चलिए जी आंसर आना स्टार्ट हो गया, चलिए आई एम हैप्पी, एक आंसर सही आया अभी तक और काफी जल्दी आंसर दिया इन्होंने, वेरी गुड। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो रियली बता रहा हूं, डीआई में 5 में से 5 क्वेश्चन आपके हैं। आओ मैम, आप कहां लेट हो गए? सर बस में हूं इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रही। बस में हो, चलिए कोई ना, जब ऑफलाइन क्लास आप देख लो कोई इशू नहीं है। चलिए जी, चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है हमें क्या। पहले तो दोस्तों आप ये देखिए कि 11 की पॉपुलेशन कितनी है, 35। 2011 की पॉपुलेशन कितनी है, 35। हमसे क्या पूछ रहा है, 21 की पॉपुलेशन, और एवरेज कितना है हमारे पास, 9.82। ये हमारे पास अभी क्वेश्चन पेपर में है और हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? हमें ये फाइंड आउट करना है जी। अब देखिए पॉपुलेशन का पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या सीन हो रहा है। तो देखिए 35 क्या है, लास्ट ईयर की जो एवरेज था, लास्ट ईयर में जो पॉपुलेशन थी वो हो गई। एवरेज क्या है, 9.82, ठीक है जी, हो गया। इसको कर दो दोस्तों 100 से, यहां इनटू का सिंबल आएगा, और प्लस 35,
प्लस क्यू आया दोस्तों, हम 35 में प्लस क्यू करेंगे क्योंकि हमें 2021 की फाइंड आउट करनी है। तो आपने देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि दोस्तों यहाँ पर इंक्रीमेंट ही हो रहा है, यानी एड होती जा रही है। तो अब जो पॉपुलेशन यहाँ फाइंड आउट होगी उसमें हम 35 को एड कर देंगे, ठीक है। तो 35 हो गया। अब दोस्तों ये फाइंड आउट करो आप, तो अगर हम 5 से इंटू इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों ये 5 से अगर मैंने इसको काटा तो ये हो गया 7, और ये हो गया दोस्तों 5 से मैंने किया 20। तो इसे अगर हम काटेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 3.4 आएगा, ठीक है इसका आंसर। और इनको ऐड करेंगे 38.49 इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों 38.49 इसका सही आंसर आएगा। मींस आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, हमने पहले फाइंड आउट किया कि क्या है और उसमें 35 में हमने उसको ऐड कर दिया, और 35 में ऐड किया तो उसका हमारे पास आंसर आ गया 38, और 38 आंसर आया तो 20 राइट ऑप्शन। चार्ट अगर आपको देखना है तो ये लो चार्ट आप देख सकते हो। देखिए मैं वापस आपको समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से समझे। 2011 में दोस्तों हमारे क्या थी पॉपुलेशन 35, एवरेज अभी तक हमने फाइंड आउट किया तो क्या एवरेज आ रहा है 9.82, ये हमारे पास अभी तक दोस्तों एवरेज आ रहा है, ठीक है दिस इज नो बिग इशू। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 35 इंटू 9.82 डिवाइड बाई 100 और 35 प्लस। देखिए हम फाइंड आउट करें इसका पूरा एवरेज। अभी हमारे पास जो इयर्स थे सारे, ये जो इयर्स है इनका हम फुल एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 35 हुआ, इसको अगर आप दूसरा 5 से करो तो 7.20, ऐसे अगर आप पूरा करोगे इसको तो 3.5 आंसर आ जाएगा, और 38.54 इसका सही आंसर आएगा, और 20 राइट आंसर। हम सर हो रहा, ये क्या कमेंट किया सर, हम हो रहा, देखिए जी घर पे आपको रोजाना 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और जैसे फरवरी स्टार्ट होगा मैं एक बुक्स अपलोड कर दूंगा, वहां पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उनको सोल्व करना आप स्टार्ट कर देना, ठीक है। चलिए जी लास्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। हाँ जी बी इज राइट आंसर। लास्ट वाला सोल्व करें, इन दिस ईयर 1951 में कितनी पावर हमने यूज की थी, 1% ने कितनी पावर यूज की है। यहां पर पूछा गया है कि 1951 में 1% ने कितनी पावर यूज की है। नहीं आ रहा मैम, क्या नहीं आ रहा, एक बार कमेंट कर दे क्या नहीं आया। सर 35 एड क्यों किया मैम, हमने 35 एड इसलिए किया क्योंकि हमें लास्ट ईयर पॉपुलेशन में तो एड होगा, जब भी तो हमें पता चलेगा कि 2021 में कितनी पॉपुलेशन होगी। 35 दोस्तों लास्ट ईयर की पॉपुलेशन है 2011, तो जब 2011 में एड करेंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कि 2021 में कितनी पॉपुलेशन होगी। मान के चलिए मैम आपके बैंक में अभी 200 रुपए है और मैंने अभी आपके बैंक में ऐड किए 10 रुपए, तो हमको दोनों को ऐड करना होगा जब भी तो हमें कंफर्म होगा कि अभी बैंक में कितना पैसा है, ठीक है। तो जब तक हमें पूरा टोटल करना है तो हमें लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करना ही होगा। अगर आपको पता करना है कि आपके ओवरऑल फाइनल ईयर में
कितने नंबर आए, तो दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर को ऐड करना होगा। ये भी आपको पता चलेगा कि आपके फाइनल ईयर में कितने नंबर आए। चलिए जी, यहां पर पूछा गया है कि 1951 में कितने, यानी एक पर्सन ने कितनी बिजली यूज करी। आई थिंक यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी, यहां पर पूछा गया है कि पर पर्सन ने कितना पावर यूज किया है। 1951 में पर पर्सन ने कितना पावर यूज किया है, तो मैं आपको ये बोल दूं दोस्तों, ये 20 किसमें है, लाखों में, ठीक है, और वॉट, और ये है जी डब्ल्यू, तो यानी एक जी डब्ल्यू इंटू 100, तो इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। दो सौ दस ऑप्शन में है क्या, ये 210 तो मैम ऑप्शन में नहीं है। देखिए 1951 में पॉपुलेशन कितनी दोस्तों, 20 मिलियन, और पावर की पावर थी हमारे 10 GW। पावर GW है और 1 GW इक्वल टू 100 जी। अब सोल्व करें सर, न्यू टॉपिक कब से चालू होगा जी, कल से हायर एजुकेशन स्टार्ट होगा। अब ये पॉपुलेशन दोस्तों किसमें, एम में, और आपको बताऊंगा 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। 200 नहीं जी, देखिए वेट एक मिनट, बीस मिलियन है थी पॉपुलेशन, तो 20 आएगा दोस्तों, एक एक मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। सर मेरा 10 जनवरी क्या है सर, ये 10 जनवरी अमित जी 10 जनवरी क्या है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, लाइट थी हमारे पास 10 वॉट इंटू दोस्तों हम करेंगे 100 ही होगा, कि दोस्तों जी एक जी इंटू 100 होता है, और दोस्तों हमारे पास पॉपुलेशन थी कितनी, 20। ठीक है, इसको दोस्तों मैंने काटा 0 से 0, ठीक है, ये हो गया दोस्तों 2 से किया मैंने 5, 50 हो गया, और आई थिंक दोस्तों 50 आई थिंक 500 इसका सही आंसर होगा। नहीं 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 जी, 500 इसका सही आंसर होगा, वेट एक मिनट, आई थिंक 500 इज राइट आंसर। देखिए ये तो हो गया दोस्तों हमारी लाइट का, ये होगी हमारी पॉपुलेशन। अब एक वॉट में क्या होता है दोस्तों, 100, एक वॉट में होता है 100, और ये कितने है 10, तो 10 इंटू 100 करो तुम्हारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है जी, 1000 हमारे पास आ गया। अब कुछ नहीं, ये काटा दोस्तों 0 से 0, और ये गया 2 से 5, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 500 वॉट हमने यूज किया, एक पर्सन ने 500 यहां पर यूज किया है जी, तो डी से आंसर आ जाएगा इसका। ये वाला क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, और प्लीज यार जो व्हाट्सएप पे मैंने क्वेश्चन सेंड किया था उसको सोल्व करें आप, और कल से हम दोस्तों हायर एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, और मैं आपसे अभी विनती कर रहा हूं कि डीआई से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि आपकी डीआई काफी वीक मेरे को यहां पर शो कर रही है।
और दोस्तों व्हाट्सएप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और मेरी खुद की पर्सनल फेसबुक आईडी का लिंक मैंने दे दिया है, अगर आपको फॉलो करना है तो यू कैन गो एंड फॉलो। सर अभी समझ में आ गया, चलो जी अच्छी बात है। दोस्तों आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। सर 500 आंसर आएगा। ड्रोन वर्क कर सकते हैं एग्जाम के टाइम? हाँ जी, आपको वहां पर पेपर दिया जाएगा, उसमें आप सोल्व कर सकते हैं। आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपके मैथ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे मैम। पेपर वर्क यू कैन डू इन एग्जाम हॉल। सर 1000 होगा, एक वोट बराबर 100 होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या है 10। दोस्तों ये हो जाएगा 10 100। लास्ट वाला फर्स्ट फिर से कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं, 10 थी हमारे पास लाइट, ठीक है। ये देखिए एक बार चार को आप ध्यान से देखें, 10 है यहां पर दोस्तों, और किसे जी डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है वोट का। तो क्या तो वोट फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमें? 1 इक्वल टू दोस्तों 100 होता है, 10 हो गया तो ये हो जाएगा 1000। लो सिंपल है भैया, ये वाला आप समझ लो एक बार इसको। और कल हम हायर एजुकेशन करेंगे, तो एक बार हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है उसको एक बार आप सबको देख के आना है, ठीक है। और एक बार यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी एक इक्वल होता है, बट हमारे पास देखिए एक इक्वल टू 100 होता है, हमारे पास क्या है 10। तो 10 इंटू करो 100 करो तो 1000 आएगा, सिंपल है। देखिए जी पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो पेपर जी आपका ऑनलाइन होता है अखिल जी, पेपर ऑनलाइन होगा, ठीक है। और दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, एक ही टाइम पे होंगे। और कल हम हायर एजुकेशन पे मूव ऑन करेंगे, कल हम हायर एजुकेशन देखेंगे, ठीक है। पेपर ऑनलाइन होगा, दोनों पेपर एक साथ होते हैं, एक ही टाइम पे होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बीच में कोई गैप नहीं आता। और सेकंड पेपर के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और मेरी वेबसाइट पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे and take care. उसकी कदर कभी नहीं हो।